Good morning, students. I hope you all are fine and are paying attention to your studies at your homes. So, in the previous videos, we have already revised chapter 1, 2, 3, 5 and the poems Lamplighter and the Merchant. And today, we are going to revise the last chapter of your syllabus, of your exam syllabus, that is Marching to Freedom. Swatantra ke taraf badhte kadam. Okay, ye story kis baare mein hai? Mahatma Gandhi ke डांडी मार्च के बारे में. ना इससे पहले कि हम ये स्टोरी पढ़ना शुरू करें कि ये क्या है, लेट्स फर्स्ट सी व्हाट वाज डांडी मार्च. डांडी मार्च था क्या, लेट्स सी. यर बिफोर 1947 इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर. द ब्रिटिश एनफोर्स मेनी लॉज एंड सिस्टम्स दैट डिड नॉट ट्रीट इंडियंस एज इक्वल्स. तो 1947 के पहले हम किसके अंडर थे, हम कौन हम पे राज करता था, ब्रिटिशर्स. ओके, और वो बहुत सारे उन्होंने ऐसे लॉज और रूल्स निकाले जो कि इंडियंस को उनके बराबरी का दर्जा नहीं देते थे. दिस अनफेयरनेस कॉज एंगर अमंग सिटीजन, जिसकी वजह से इंडियंस में फिर बहुत क्रोध होने लगा, वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगे. ओके, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी उनकी गुलामी. एंड लेट टू द राइज ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और फिर सारे इंडियंस ने मिलकर एकजुट होकर एकता के साथ स्वतंत्रता के लिए अभियान स्टार्ट किया. ओके, दे डिसाइडेड दैट नाउ दे विल रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे वो. विथ सॉ महात्मा गांधी एमर्ज एज वन ऑफ जिसके उस स्वतंत्रता अभियान के, उस स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे मेन लीडर कौन उभर के निकले, महात्मा गांधी. सो इन मार्च 1930 एन ऑर्गेनाइज्ड ही ऑर्गेनाइज्ड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन अहमदाबाद टू डांडी. और 1930 मार्च के महीने में 1930 में महात्मा गांधी ने अपने आश्रम साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में था, वहाँ से डांडी तक के लिए सॉल्ट मार्च स्टार्ट करने का ठान लिया. क्या था ये सॉल्ट मार्च, क्यों किया गया था ये सॉल्ट मार्च? द मार्च वॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटेन सॉल्ट एक्ट ऑफ 1882 विच बैंड इंडियंस फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग सॉल्ट. तो क्या था ये सॉल्ट मार्च, क्या था ये डांडी मार्च? इट वॉज डन बाई इंडियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के विरोध में किया गया था. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने सॉल्ट एक्ट ऑफ 1882 में क्या किया था, इंडियंस को सॉल्ट बनाने और बेचने से मना कर दिया था, बैन लगा दिया था. एंड आप ही सोचिए सॉल्ट क्या है, सॉल्ट के बिना हमारे घर में हम एक भी दिन खाना खा सकते हैं? नो, वी नीड सॉल्ट ऑन डेली बेसिस. और अगर उस पर ही रोक लगा दिया जाए, उसके बनने पर, उसके बेचने पर रोक लगा दिया जाए, उस पर टैक्स लगा दिया जाए बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, रहना खाना हर चीज़ मुश्किल हो जाएगा. सो इंडियंस ने ठान लिया कि अब तो इसका विरोध करना पड़ेगा. एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड इन मार्च 1930. So, it is a short story about how Mahatma Gandhi along with his supporters worked towards creating a change in the country. तो ये story बहुत छोटा सा तरीका है ये बताने का कि कैसे महात्मा गांधी और उनके supporters ने स्वतंत्रता के लिए, independence के लिए struggle किया. Okay? तो let's see. So, जब महात्मा गांधी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो एक आश्रम जिसका नाम क्या था, साबरमती, वहाँ पे रहते थे. और जो भी लोग उनको सपोर्ट करना चाहते थे, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, वहाँ पे आके उनके साथ रहते थे और हर काम में उनका सपोर्ट करते थे, फाइट करने में ब्रिटिशर के खिलाफ एकजुट होकर रहते थे आश्रम में. तो उन्हीं कुछ लोगों में से धानी के माँ बाप, और धानी भी थे, धानी एक बहुत छोटा सा 9-10 साल का लड़का था जो कि अपने माँ बाप के साथ गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए उनके साबरमती आश्रम में ठहरने आया था. ओके, और जितने भी लोग साबरमती आश्रम में रहते थे सबको कुछ ना कुछ ड्यूटी मिलती थी करने के लिए, सबको अपना काम खुद करना होता था और सबको कुछ ना कुछ अलग से भी ड्यूटी दी जाती थी. तो धानी को क्या ड्यूटी मिली थी, गोट जिसका नाम क्या था, बिन्नी, उसकी देखभाल करने की, उसको खिलाने पिलाने की, उसको चराने के लिए ले जाने के लिए, हर चीज़ करना उसके लिए उसकी जिम्मेदारी थी. तो एक दिन वो बिन्नी के साथ बैठा हुआ था और उसे, और उसके मन को ये बात खाया जा रही थी कि आखिर गांधी जी के रूम में क्या मीटिंग चल रही है. जितने भी यंग मैन थे आश्रम के, जितने भी जवान लोग थे आश्रम के, सब गांधी जी के साथ मिलकर कुछ मीटिंग कर रहे थे और वो कहीं मार्च पर जाने वाले थे, कहीं लंबी सी यात्रा पर जाने वाले थे. अब उसे ये बात खा जा रही थी कि आखिर ये कौन सी यात्रा है, क्या बात हो रही है. वो जाकर अपनी माँ से पूछता पर उसकी माँ उसे नहीं बताती है कुछ. फिर एक बिंदा, एक इंसान था जिसका नाम था, मिडिल एज मैन जिसका नाम था बिंदा. ओके, वो कौन था, वो गार्डनर था, उसे माली था, वो उसे आश्रम के फूल पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी मिली थी.
तो उससे जाके पूछता है तो उसे पता चलता है कि गांधी जी और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं सब दांडी मार्च पे जाने वाले हैं। ओके, तो धानी के मन में ये सवाल उठता है कि ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करना है तो इतनी लंबी यात्रा करने की क्या ज़रूरत है पैदल जाने की, वो तो बस से भी जा सकते हैं या कोई भी यू नो ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते जाने के लिए, फिर पैदल क्यों। तो बिंदा उसे समझाता है अगर वो पैदल जाएंगे अब रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के बीच ये बात फैलेगी, अगर वो किसी व्हीकल से जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या करने जा रहे हैं, इसलिए वो और उनकी बहुत सारे लंबे तादाद में बहुत सारे बड़े लार्ज नंबर में लोग उनके साथ जाएंगे पैदल चल के दांडी, और वहाँ जाके समुद्र में वो खुद से सॉल्ट बना करके समुद्र किनारे सॉल्ट बना करके ब्रिटिशर्स के लॉ को तोड़ेंगे ताकि बहुत सारे इंडियंस में बात फैले और सब गांधी जी के सपोर्ट में एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये सब कुछ जान करके धानी को गांधी जी पे बहुत गर्व महसूस होता है, वो डिसाइड करता है कि अपने पापा के साथ गांधी जी के साथ वो भी जाएगा इस लंबे से यात्रा पे। सो वो अपने मन में जितने भी सवाल थे वो सब लेकर के गांधी जी के पास जाता है। गांधी जी से जाकर के वो बोलता है कि गांधी जी क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ इस यात्रा पे, इस मार्च पे, दांडी मार्च पे। तो गांधी जी उसे बहुत प्यार से समझाते हैं कि सिर्फ यू नो फाइट करना अपनी कंट्री के लिए, लड़ना ही पैट्रियोटिज्म नहीं होता, देशभक्ति नहीं होती, अपनी कंट्री के हर एक इंसान के, हर एक प्राणी के, हर एक जीव की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना भी देशभक्ति है। और धानिया भी बहुत छोटा था इसलिए वो उनके साथ उतनी लंबी यात्रा पे नहीं जा सकता था, इसलिए वो जो कर सकता है उसे वो करना चाहिए, जैसे कि वो यहाँ रह के आश्रम में जितने लोग हैं उनकी देखभाल कर सकता था, बिन्नी जो कि उसकी गोट थी उसकी देखभाल कर सकता था, इसलिए उसे वो करनी चाहिए, वो भी बहुत बड़ी हेल्प होगी, देशभक्ति होगी। तो बिन्नी के बाद धानी के बाद समझ में आ जाती है और वो गांधी जी को प्रॉमिस करता है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक वो आश्रम का ध्यान रखेगा। ओके, सो दिस इज़ इट, यही थी स्टोरी। आई होप आपको फिर से सब कुछ रिकॉल हो गया होगा। आपका होमवर्क है इस स्टोरी से रिलेटेड, आपको जो कुछ भी वर्क दिया गया आपको कॉपी में करने के लिए, लर्न करने के लिए, आप वो सब करेंगे। ओके, थैंक यू।